देशवासियों से कुछ कहना चाहिए? देशवासियों, आजकल जो कोरोना का दौर चल रहा है जिससे हम गुजर रहे हैं, यही कहना चाहूँगा, शारीरिक दूरी बना के रखें, ठीक है, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जितना हो सके घर से कम निकलें, बस ऐसे करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी, जाहिर सी बात है, For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. आप सच बताइएगा, बिंदास हो? हाँ। यहाँ पर नवीन कुमार जी है, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही भी है वो, क्या क्षेत्र में लोगों की मदद करते हैं? हाँ, सबकी मदद। थोड़ा सा उदाहरण दीजिए। जैसे कि कुछ भी किसी चीज की हम उनके पास अपनी समस्या लेके जाते हैं तो उसका हल कर देते हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने काम कर रखा है लेडीजों के लिए, मतलब जो बाहर नहीं जा सकते, हाउस वाइफ जो होती है उनके लिए माल वगैरह भी दे देते हैं, मतलब घरेलू काम मिल जाते हैं। हाँ, घरेलू काम मिल जाते हैं, और वैसे भी अच्छा कर रखा है उन्होंने पंचायत वो। अच्छा, ये अच्छे का माल में नहीं, पहले आप अपना नाम बताइए। बबली। बबली जी, फिल्म देखी थी आपने, बंटी और बबली? बबली और बंटी झूठ बोल के लोगों को ठगते थे, लेकिन आप बोलेगी इस वक्त सच, और मुझे उम्मीद है आप सच बोलेगी, क्योंकि लोकतंत्र देश है, हर व्यक्ति को विचार रखने का अधिकार है। आप निस्वार्थ होकर, बिंदास होकर ये बताइए, नवीन कुमार जी यहाँ पर जन कल्याण करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हेल्पफुल आदमी है, आपकी क्या मदद की? अरे, यही माल वाल पास में हमारा, ये जब मर्जी हमारा घर में अपना पैसे ले होते हैं, जब मानते हैं हिसाब जब कर देते हैं, पैसे देने की परेशानी होती है, माल पे माल भेज देते हैं, ये नहीं कहीं में जाना पड़ता, फोन पे बात करके। अच्छा, पैसे मिल जाते हैं टाइम से? टाइम से पैसे देते। अच्छा, करो टाइम पता, देखो सभी थोड़े से पागल होके परेशान हो गए थे। अच्छा, तो माल तो चलते रहे लेकिन कम आ रहा है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब गाड़ी पटरी पे आ गई है? अब तो माल वाल सब देते हैं, सही है, और पैसे भी सही करते हैं ऐसा। ठीक है बबली जी, धन्यवाद। हाँ जी, आपका शुभ नाम मैम? डोली जी। डोली जी, ये बताइए कि अगर इस क्षेत्र में कोई समस्या होती है, आर्थिक समस्या या पानी की समस्या या कोई भी समस्या, तो आप किसके पास जाती है? हम तो नवीन जी के पास जाते। तो लेकिन नवीन जी तो ना तो काउंसलर है ना विधायक है, तो आप उनके पास क्यों जाती है, वजह? पास में ही है तो इनसे बोलते हैं। अच्छा, तो वो आपकी समस्या का समाधान करते हैं? जी। थोड़ा सा बताया कि कभी कोई समस्या आई, उन्होंने आपकी हेल्प की हो? समस्या यही है, जैसे घर में इंसान को काम नहीं है तो घर में डेडी से जा नहीं सकती, घर में उन्होंने सबके लिए यहाँ पे काम दिया। अच्छा, एक अच्छे व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति को राजनीति में भी आना चाहिए, हो सकता है कि और जन कल्याण करे। ठीक, आप अपना नाम बताइए। सुमन जी ये बताइए, अभी ये तीन मैडम ने कहा कि नवीन जी अच्छे आदमी है, कहे सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये सही सच बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये काम करती है इसलिए दबाव में झूठ बोल रही है? नहीं, वो गली यहाँ पे सबके लिए ना काम घर घर पहुँचाते हैं वो। अच्छा। छल्ले का माल करते हैं ना ये। हाँ। बाहर औरतों को बाहर जाना नहीं पड़ता। अच्छा, एक बात बताइए, इस काम को हम साइड में रखते हैं, कभी आपको कोई समस्या होती है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए भी वो मदद करते हैं? वो सबके साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मतलब कभी आपको पानी की या सीवर की कोई समस्या होती है तो आप किसके पास जाती है? नहीं, हम तो इनोसे कह देते हैं। लेकिन वो तो ना तो काउंसलर है ना विधायक है, पाठशाला के वो है ना, वो अध्यापक बने हुए हैं ना पाठशाला के। अच्छा, सिर्फ एक बात और बता दीजिए, क्या आप चाहती है कि वो राजनीति में आए और जन कल्याण करे? हाँ, हम तो चाहेंगे ही। चाहेंगे। हाँ जी। देखिए, लक्ष्मी जी, बबली जी, डोली जी, और आपका शुभ नाम? डोली जी, बबली जी, ये वो लोग हैं जो पैसे देकर या वोट बैंक देकर इनसे बुलवाया नहीं जा सकता, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सच बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन में भी हमारी मदद हुई, काम चलता रहा, पैसे को लेकर कभी इनका हाथ उन्होंने नहीं रोका, कभी कोई परेशानी वैसे भी होती है इनके व्यवसाय के अलावा तो भी वो उनकी मदद करते हैं। इनका कहना है कि उनको प्रतिनिधि बनना चाहिए और जन कल्याण करना चाहिए। और मैं For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश बैरवा है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नवीन कुमार जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं उपचुनाव की। 28 तारीख को उपचुनाव हुआ दिल्ली में, और आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं दोनों? नहीं। आप किस पार्टी में? मैं कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, दो शख्स बैठे हैं, दोनों अलग अलग पार्टी से, एक कांग्रेस पार्टी से है और एक भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, वो अपने कांग्रेस के सिपाही है, वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। पहली बार शायद अभी तक के प्रोग्राम में
आपको एक ऐसा देखने को मिल रहा है कि दो व्यक्ति अलग अलग पार्टी से लेकिन बैठे हैं और वैसे व्यक्तिगत ये दोनों दोस्त हैं। हाँ तो सर आप कांग्रेस के सिपाही हैं जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश बैरवा है। आपका कोई पद कांग्रेस? हाँ मैं अभी यहाँ पर अपने जो मैं अभी जी और उससे पहले मैं प्रदेश में सेक्रेटरी भी रहा हूँ जी कांग्रेस पार्टी का। और राजनीति से तो हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। मेरी वाइफ भी यहाँ से इसी वार्ड से चुनाव लड़ी है कांग्रेस पार्टी से कुछ ही 2007 में और लगभग 350 वोटों से करीब वो पराजित हो गई थी। 350? हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर आपका जो प्रवेश हुआ राजनीति में वो कांग्रेस से शुरुआत हुई? शुरुआत ही कांग्रेस से है क्योंकि हम पारिवारिक सारे मेरे ब्रदर भी राजस्थान से MP रहे हैं और अभी मेरा भतीजा भी MLA है। पारिवारिक हम शुरू से ही कांग्रेस कट्टर कांग्रेस ही जी। और जो आपका आजीवन जो एक दीर्घ आयु वो भी हो सकता है कांग्रेस में भी थे? हाँ हो सकता है क्योंकि अभी तक तो लोग आजकल पलटी वोट मारते हैं। नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं लोगों को कह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आजकल पलटी वोट मारते हैं। आजकल लोग क्या है हर आदमी पावर चाहता है लेकिन पावर हमेशा तो रहती नहीं है जी। जब रात होती है तो उस दिन भी आता है फिर दोपहर भी आती है तो इसलिए मौसम बदलते भी रहते हैं तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। अच्छा रमेश जी 28 तारीख को उपचुनाव हुआ है कांग्रेस में 5 सीटों पे जी। जाहिर सी बात है आप कांग्रेस के पक्ष में ही बोलेंगे। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की 5 सीटें आएगी या 1 सीट आएगी या 0 खाता होगा? नहीं कुछ कह नहीं सकते। चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ा है हमारी पार्टी ने जी और इसका फायदा हमें मिलेगा। मैं नहीं मानता कि हम कहीं भी लूज करेंगे तो 5 सीटें आने की उम्मीद? बिल्कुल उम्मीद है जी 100%। अगर 5 सीटें कांग्रेस की आती है तो हो सकता है निगम पार्षद में भी कांग्रेस की सरकार बन जाती? नहीं ये तो उपचुनाव है इससे अनुमान तो लगा सकते हैं लेकिन ये तो अभी पता लगेगा। एक्चुअली में क्या है लोग थोड़ा सा केजरीवाल की तरफ झुकाव है बस वो बिजली और जो पानी का मेन मुद्दा है उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों का झुकाव है। तो कांग्रेस क्यों अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लाती कि जो काम केजरीवाल भी करे कांग्रेस भी कर सकती है दिल्ली में? ये तो हमारे बड़े नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने कभी सुझाव दिया कांग्रेस को? नहीं इस बारे में मेरी कोई बात नहीं क्योंकि मैं छोटे पद पे रहा हूँ इसलिए इतने इस मुद्दे पे मेरी कभी उनसे कोई बात हो नहीं पाई। अच्छा आप बात करिए दिल्ली के मुख्यमंत्री क्योंकि आप और हम दिल्ली में रहते हैं जी। क्या आप दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से उनके कार्यकाल से संतुष्ट है क्योंकि लगभग बार बार वो जीतते आ रहे और मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ रहे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होगा? आपकी क्या अपेक्षा है? सर मेरी अपेक्षा क्या मायने रखती है एक्चुअली में अपेक्षा तो जनता की है ना। आप फिलहाल तो आप जनता? हाँ मैं जनता की तरफ से बता रहा हूँ जो जनता उस केजरीवाल जी को जिता रही है उसका जो मेन कारण यही है बिजली और पानी। हर आदमी को जब फ्री में मिल जाता है तो नेचुरली है फिर उसका झुकाव भी उधर ही होता है। तो फ्री का ये अच्छा है क्या? ये नहीं अच्छा तो नहीं है फ्री का गलत है सिस्टम तो गलत है। जितना होना चाहिए जो जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ ही होना चाहिए। अब इन्होंने सबका जितना भी है ऊपर से लेके नीचे तक सबको ही फ्री कर दिया 200 यूनिट तो देखना चाहिए तो जो गरीब आदमी है। लोग तो खुश है कह रहे हैं हम बहुत खुश हैं। हाँ तो खुश इसलिए है ना फ्री में मिल रहा है सब कुछ तो खुशी होंगे नेचुरली है। आपको भी कोई चीज या मेरे को भी कोई चीज फ्री में मिलती है तो हम तो कहते हैं ठीक है मिल रही है तो अच्छी बात। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है? नहीं नुकसान क्या हो सकता है नुकसान अब ये जनता को जब तक फ्री में दे रहे हैं तो क्या नुकसान होगा? आपका कहने का अर्थ ये है कि अगर फ्री के लुभावने की राजनीति हो रही है और जनता को फायदा हो रहा है तो इसलिए मतलब सबसे मुख्य कारण जीतने का यही? हाँ मुख्य कारण जीतने का यही है क्योंकि बड़े जो लोग हैं जो मीडियम क्लास के लोग हैं हाई क्लास के लोग हैं वो उनकी जो वोट ऑफ परसेंटेज आप देखेंगे कुछ भी नहीं है बहुत माइनर है। और मैक्सिमम जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो जो लोअर क्लास के लोग हैं वही वोट डालते हैं। अच्छा सेनेटर अगर आपको टिकट देता है या आपकी वाइफ को टिकट देता है जी निगम निगम पार्षद तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? आप भी ऐसी राजनीति मतलब आप भी कुछ अलग करेंगे या ऐसी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इसी पैतरे पे चली थी? नहीं नहीं देखो मैं किसी पैतरे पे नहीं चलना चाहता। मैं तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जो जनता के काम है जो कॉरपोरेशन के अंडर में जो आते हैं मेन काम सफाई का सफाई और तो कॉरपोरेशन के पास कुछ रहा नहीं है जी। जो मेन काम है अगर वो हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे जीत पाएंगे? इसलिए हमें जो मेन काम है जो मेन मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। मतलब अगर संगठन आपको टिकट देता है और आप जीतते हैं तो आपका मेन एजेंडा रहेगा कि आप सफाई करें क्षेत्र? बिल्कुल मेन एजेंडा ये रहेगा जो लोगों की समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए सफाई होनी चाहिए गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो भी काम कॉरपोरेशन के है जैसे हाउस टैक्स है
हाउस टैक्स के अंदर भी लोगों को सहायता मिलनी चाहिए जो गरीब लोग हैं, 50 गज से जिनके नीचे के मकान हैं जी, मेरे हिसाब से उनको फ्री कर देना चाहिए हाउस टैक्स से। और ये जो कन्वर्जन चार्जेस हैं ये कुछ है लिमिट में, इनकी भी लिमिट होनी चाहिए। अब जो MCD है, अभी आपने देखा होगा कितने लोगों की हड़ताल रही है और लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिली है, तो ये MCD में अभी तो भ्रष्टाचार है बीजेपी की तरफ। आप मानते हैं कि MCD में भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है? कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भ्रष्टाचार नहीं, कभी नहीं हुआ। आप देख लीजिए आज तक CM हमारी जो चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी, 15 साल रही है, लोगों को ये नहीं पता लगा कि MCD में पैसा कहाँ से आता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था, मैं मतलब वैसे ही जी जो पता तो कहते खाओ और खाने दो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका तो कार्य है ना, हम भी काम करेंगे और आपका भी काम करेंगे, यानी कहने का मतलब हमने काम करना है, जो जनता जो भी मुद्दा लेके आएगी जिसको जिस भी काम की, कांग्रेस ने इतना काम किया, इतनी तरक्की की, तो वो थोड़ा सा अपनी छवि कैसे खत्म सी करती चली गई? नहीं नहीं, छवि खत्म सी नहीं करती चलेगी। अब देखो, हर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही बात कही थी, हर आदमी है ना महत्वाकांक्षी हो गया है जी, वो पावर में रहना चाहता है, जिधर जनता का झुकाव होता है वो उधर ही पार्टी में चला जाता है। तो अब जितने भी, अब आपने देखो आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, सब कांग्रेस पार्टी से ही हैं मैक्सिमम जी, सब पल्टी सबने, हाँ सबने ज्यादातर उधर ही, क्योंकि अब लोग क्या हो रहा है, सबको पावर चाहिए। अच्छा, काम कोई करना चाहता नहीं है लेकिन पावर सबको चाहिए। तो कांग्रेस दोबारा अपना वजूद खड़ी करके, क्या भारत में जैसे पूरा राज्य में कांग्रेस का राज था, क्योंकि बहुत समय कांग्रेस ने राज किया, क्या दोबारा से कांग्रेस आएगी? बिल्कुल आएगी, निश्चित रूप से आएगी। अच्छा, बिल्कुल आएगी। कांग्रेस का आप कार्यकाल देख लीजिए, इतने जो भी काम किए हैं जनता के आज भी लोग याद रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम झूठे वादे नहीं करते, हमारी पार्टी कभी झूठे वादे नहीं करती है। आप कोई जो भी उन्होंने कहा है अपने मैनिफेस्टो में वो सारे पूरे किए हैं। अच्छा, देखिए सर, आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मूल्यवान समय है आपका, आपका अपने व्यवसाय भी है। फेस वाटर के माध्यम से, क्योंकि आज दिल्ली में आज 1400 से पार कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं, और आपने देखा होगा कुछ राज्य में लॉकडाउन भी लग चुका है और हालत दोबारा से थोड़े से अच्छे नहीं है, क्या फेस वार्ता के माध्यम से देशवासियों से कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, डिस्टेंस रखना चाहिए, एक दूसरे में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और कोशिश हो सके तो जितना भी हो डिस्टेंस बहुत जरूरी है। अभी भी कोरोना, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भी कोरोना खत्म हो गया, आप देख लीजिए बढ़ता जा रहा है फिर दोबारा से, वो हमारी सरकार की भी कुछ लापरवाही है, कुछ हमारी भी लापरवाही है, तो हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को सुधारना पड़ेगा उसकी वजह से, ताकि ये कोरोना से हम बच सकें। जी जी, आइए अब दूसरे मेहमान से उनके विचार आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। जी देखिए, आज के जो अब दूसरे मेहमान हैं, मैंने जैसे बताया था कृष्ण और अर्जुन बहुत सज्जन हैं, बहुत सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ। उन्होंने कहा कि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमने थोड़ी सी उनसे कहा सर प्लीज आप भी अपने विचार रखिए, तो बड़ा अच्छा लगेगा आज भी एक ऐसे मेहमान से जो राजनीति में है लेकिन राजनीति के ताल्लुक नहीं रखते फिलहाल। चलिए आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात करें। नवीन कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आप बड़े सिंपल से लग रहे, मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहा हूँ, इसका कारण बताइए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, कारण बताइए पहले। कारण तो कोई नहीं है, से हम लोग काफ़ी पुराने संबंध हैं, 20 से 25 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी के सिपाही की जो पार्टी है उसमें काम किया है, मोदी जी ने जो काम किए हैं उसके आधार पे पार्टी जीत गया है। पर कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और ये देखा भी होगा, सच है इसमें? नहीं, ये तो सच है सर। तो हो सकता है कि इसका कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़े उस चुनाव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये थे नवीन कुमार जी। नवीन कुमार जी से मिलकर मुझे एक बात का महसूस बड़ा अच्छा सा हुआ, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगा कि एक जन समाज जो सेवा करता है उस सबसे बात कर रहा हूँ। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक संदेश दिया अभी भी कि सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और इसमें सिर्फ नवीन जी का फायदा नहीं है, आपका फायदा है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, सावधान रहिए, इसमें सिर्फ जनता के हित के लिए, और ये जनता के हित के लिए सोच